14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा अटैक में सीआरपीएफ के 40 से अधिक जवान शहीद हुए थे। इस अटैक में काशी के लाल रमेश यादव भी शहीद हो गए थे। जब शहीद रमेश यादव का पार्थिव शरीर उनके गृह जनपद लाया गया तो कई बड़े नेता उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। सरकार की तरफ से भी शहीद के परिजनों से कई वादे किए गए, मगर मुआवजे और उनकी पत्नी को नौकरी देने के बाद शहीद रमेश यादव को शायद सरकार भूल गई। शहीद के पिता श्याम नारायण यादव ने बताया कि जब बेटे का पार्थिव शरीर घर आया था तो कई बड़े नेता फोटो खिंचवाने आए थे, मगर अब वो हमारा फोन तक नहीं उठाते। शहीद की पत्नी रीनू यादव ने बताया कि सरकार ने आर्थिक मदद और मुझे नौकरी दी है, लेकिन पति के नाम से स्मारक, जमीन, खेल ग्राउंड, गांव का मुख्य गेट आज तक नहीं मिला और न बना। आपको जानकारी के लिए बता दें कि रमेश यादव की शहादत के बाद उनके घर पर भाजपा के कई बड़े नेताओं के अलावा प्रियंका गांधी भी पहुंची थी, मगर पुलवामा हमले के एक वर्ष बीत जाने के बाद भी मुआवजा तो मिला, मगर शहीद के घर वालों ने जो सम्मान मांगा उसकी कमी अभी तक है। हम बताएंगे साहब यही कि जो अनिल राजभर हैं, पूरी महज्जत के सामने आए थे, चाचा सुनो हमको बोले कि ठीक है चाचा आप बताओ, तो हमको पूरी महज्जत के बाहर निकाल के ले गए। वो बोले चाचा ये बताओ जमीन कितनी में रहन गिरो रखा है, बंधक। अच्छा। तो हम उनसे बोला कि ऐसा है कि 2,15,000 में हम गिरो रखा हूँ। कि तो अनिल राजभर जो मंत्री हैं वो बोला कि चाचा किसके पास, हम कहीं गवई के पास बोला रखा हूँ कि गांव वाले के पास, तीन आदमी के पास मैं गिरो जमीन रखा हूँ 2,15,000 की। 2,15,000 में आपने गिरवी रखा है। उसके बाद कहा कि ठीक है चाचा इसको जो है हम कली कि आप नाम पूछ, कहा कि नाम बताओ, तो हम कली हम गांव वाले के रखा, हम जो तीन आदमी के पास रखा हूँ आपसे, मैं तीनों आदमी के बुला के आपके सामने मैं बता दूंगा। हाँ। कि यही आदमी के पास मैं रखा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो कहा ठीक है चाचा। तो हम जब लखनऊ में गया तो हमसे हमारे साथ में जब फोटो खिंचाए थे और जो मंत्री लोग तीनों ओगी और जोगी ना, आपके साथ फोटो कौन खिंचवाया? अनिल राजभर जो इस क्षेत्र के विधायक थे, वो बोले कि चाचा घबराओ मत, तुम्हारी जमीन जो है मैं छुड़वा दूंगा। अच्छा। आज एक बरिस का दिन हुआ, उनके जो है बॉडी गार्ड के साथ जो है मैं फोन करके मैं परेशान हो गया, लेकिन वो फोन आज तक एक साल में वो उठाए नहीं। हमारे वो जमीन की वो क्या हमारे छोड़ाएंगे, फोन तक आपका नहीं उठाते हैं? वो फोन नहीं उठाए, वो उनकी जो है साइडो जो है वो अभी नहीं है, बाद में करना, बाद में। हमको यही एक साल में हमको यही तसल्ली देते देते मैं परेशान हो गया, मैं फोन करने छोड़ दिया। तो आप ये बताइए कि आपकी जमीन जो बंधक थी जी, वो आपने उसे छुड़ाया कि नहीं? मैं वो जो है जमीन जो हमको सरकार दिया, जो पैसा सरकार दिया और जो आम जनता दिया, उससे मैं जो है हमको जो दिया शहादत के लिए, हम वही पैसा उठा के अपनी जमीन जो मैं छोड़ा लिया। आज तक जो है मंत्री जी हमसे आज तक मिलने के लिए नहीं आए, नहीं और न हमसे उनसे बात हुआ। कौन सा वादा पूरा नहीं हुआ? जैसे स्मारक के लिए बोला गया था वो भी नहीं मिला, गेट बनने के लिए बोला गया था वो भी नहीं बना, सड़क बनवाने के लिए बोले गए थे वो भी नहीं बना। मैं वापस में कई बार अप्लीकेशन में दे चुकी हूँ फिर भी उसका अप्लाई नहीं हुआ। किस संबंध में अप्लीकेशन दिया आपने? स्मारक के लिए अप्लीकेशन दी जी, गेट के लिए भी दी जी, ग्राउंड के लिए दिए थे जी। और उसके बाद सीआरपीएफ के थ्रू ग्राउंड के लिए एप्लीकेशन दिया, हम ऑफिस में आ चुका है जी। उसका फोटो हमको मिला है लेकिन अभी डीएम कहाँ से कोई हमको आदेश नहीं मिला है स्मारक के लिए, ग्राउंड के लिए जी जी। उस दौरान एक बार प्रियंका गांधी जी आपके घर आई थी और उन्होंने आपके जेठ जो है, जो रमेश जी के बड़े भाई हैं, उनको नौकरी देने की बात कही थी, तो उन्हें नौकरी मिली? नहीं, जब उनका सरकारी नहीं है तो क्या बताएंगे। उनका शहादत दिवस हम कल मना रहे हैं और उनके साथियों ने गांव में भी प्राइमरी स्कूल में उनका शहादत दिन मना रहे हैं। वादा किए थे, कोई भी वादा पूरा नहीं है, जो सरकार से पैसा मिलना था वो मिल गया,
और हमको नौकरी मिली है। उसके बाद जितने वादा किए थे कोई पूरा नहीं हुआ। स्मारक के लिए बोला गया था उसको नहीं भी बना। ज़मीन भी देने के लिए बोला गया था स्मारक के लिए, वो भी नहीं बना। ग्राउंड के भी लिए बोला गया था, वो भी नहीं बना। गेट के लिए बोला गया था कि अढ़िया पे गौरा बाज़ार में उनका गेट बनेगा उनके नाम से। उस समय वहाँ पे तो मतलब बांस उसका पेड़ था, कटवा कर सब माटी उटी कटवा कर सब सही कर दिए, लेकिन अभी तक गेट नहीं उनका बना। सड़क बनवाने के लिए बोला गया था, वो भी नहीं बना। बहुत गर्व की बात है कि मतलब सुनो वो तो चले गए देश खातिर, लेकिन जो सरकार ने और जो मंत्री ने विधायक थे उन्होंने वादा किया, लेकिन फिर भी उसका उन लोगों का फिर पता नहीं चला मेरा है। जो मेरे पति थे वो देश के लिए शहीद हुए थे। कल उनकी याद की जाएगी, श्रद्धांजलि दी जाएगी, उनके नाम से अपने घर पे हम हवन भी कराएंगे। वो तो चले गए, लेकिन बहुत गर्व की बात है, उनकी कल याद की जाएगी। उनसे तो बहुत उम्मीदें थी, लेकिन अब वो नहीं है इस दुनिया में, तो सारी उम्मीदें अधूरी रह गई। अब से अगर वो यहाँ रहते तो कितनी ऊँचाइयों तक वो पहुँचते, लेकिन अब दुनिया में नहीं है तो सब अधूरा ही है उनके बिना। क्या मदद मिली उनके नारायण के बाद? मदद तो कुछ नहीं मिली उनके लिए। सब लोग बोले थे उस समय वादा तो किए थे, लेकिन पूरा नहीं किए। कुछ पैसे सरकार की तरफ से? हाँ, पैसे मिले थे, और आम जनता जितने लोग सहयोग किए थे बहुत। क्या क्या मिला? पैसे तो कुछ अभी मतलब जो रोड बनाने के लिए बोले थे वो बन गया, स्मारक के लिए बोले थे स्मारक भी नहीं बना, गेट बनाने के लिए बोले थे वो भी नहीं बना, अभी कुछ नहीं मिला है। आर्थिक मदद की अगर बात करें तो आर्थिक मदद कितनी दी गई है सरकार द्वारा? नौकरी किसी को दी गई, क्या दिया गया? हाँ, एक राज्य सरकार के द्वारा मेरी दीदी को नौकरी मिली है। किस पोस्ट पे? कलेक्ट्रेट पोस्ट पे। और कोई पैसे की मदद सरकार द्वारा? हाँ, राज्य सरकार की तरफ से 25 लाख रुपए मिली थी। मदद तो भैया या आम जनता जो मदद कैले बाड़न तो कैले बाड़न। अरे भाई तो भैया के चल गई ले, पर जौन बात उन भैया जैसे रहना वही तरह बाया भाई हमन के। सरकारी मदद तो यह भैया के नाम से बस सड़क बनल बा, और तो नहीं कुछ बनल बा। भैया के नाम से गेट बनवाओ कहले रहना अनिल, सड़क भैया के वही तरह बस गिट्टी बालू फेंके वही तरह कहना लोगन सड़क उजरत बिजरत बा। बहू के यह नौकरी मिलल बा, और तो सरकार के तरफ से तो हमन के तो कुछ नहीं मिलल बा। कहीं से कोई पैसा वैसा फिर नहीं? फिर तो हमन के पैसा कौड़ी तो भैया ना मिलल बा सरकारी तरफ से। LIC या सेना के तरफ से कोई पैसा? हाँ भैया, तब तक मिलल है सेना के तरफ से। क्या पैसा दिए थे? CRPF के तरफ से मिलल है। क्या दिए थे? वो पैसा वैसा दे ले रहना भैया, वही पैसा मिलल है जो अपना खेत बाड़ी जो दिले रहना है आम जनता अपना सरकारी खेत बाड़ी अपन जो घर में दवाई में धैले रही वो छोड़ ली। बहू को नौकरी मिली? हाँ, बहू के नौकरी मिला ले। अब वहाँ पारे बीच नहीं है, किस तरह की कमियाँ खलती है माता जी? अरे भैया खल के तो बहुत, आप बेटा का तो बहुत मांग खलत बा। मेरे बेटा अब ले जियत रतन तो न पता कहाँ से कहा कैले होता, आजू वाले दिन के तो भैया घर से निकलना। अब तो जौन हमन पर मुसीबत दी तब बस यह तब हम नहीं जानत बड़ी। क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष, पापा क्या करते थे? कदा डिट्टी पापा करते। टूटी। मम्मा कहाँ गई? टूटी पे। पढ़ते हो आयुष? कदा भाई नहीं। भाई नहीं। खेलते हो? कदा हाँ।